पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विधानसभा में पेश किया गया प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल 2021 प्रजातंत्र का गला घोटने के समान है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीतियां जन विरोधी है। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। बिल जो है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल 2021 को पास करने का जिस प्रकार से काम किया, ये हरियाणा में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम किया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के भी मुताबिक नहीं है। मैंने वहाँ कहा कि इस बिल को वापस ले और इस बगैर सोचे समझे जो बिल पास किया है उसमें करें। इसमें मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन में देखेंगे तो उसमें लफ्ज जो है इन्होंने इस्तेमाल किया डिटेरेंट। भैया डिटेरेंट का मतलब इवन डराने के लिए भी टू वेग वर्ड, मतलब एक किस्म से लोगों को डर के माहौल में बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। जबकि कानून है, कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, कानून है तो उसमें चल रहे हैं। धोरी भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया, फिर इतने मुकदमे क्यों किए हैं, क्यों नहीं मुकदमे वापस लेते, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देखेंगे, रामलीला मैदान जजमेंट 2012, उसमें साफ अधिकार दिया लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैलिड करते हैं। तो साथ के साथ 2009 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कहा दैट ए परफेक्ट चेक एंड बैलेंस बी मेड एंड सर्टन गाइडलाइंस अबाउट पुलिस एंड मीडिया पर आल्सो वर इशू। लेकिन ये जो कानून नया है इसमें कोई पुलिस की तो कहीं या सरकारी तो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर ही नहीं। अगर नुकसान की कारण क्योंकि कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है, तो सरकार की लापरवाही से होता है उसको उसकी कौन भरपाई करेगा, इसमें कोई इसका वो नहीं। और प्रोटेस्टर्स की इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है कि हाउ कैन ए सिटीजन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट लेफ्ट, जो प्रदेशवासी है उसको स्टेट की जो लेफ्ट का ऊपर उनके ऊपर कैसे जिम्मेवारी देगी। तो ऐसे ऐसे कानून लाए, 5-5 में इन्होंने कहा है जो कि बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है कि कानून व्यवस्था रखने के लिए अगर बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेज लाएंगे उसका खर्चा भी वो वहन करेंगे जो पार्टिसिपेंट थे। मतलब किसी 10 आदमी ने शरारत की तो 9,900 आदमी को मतलब पार्टिसिपेंट में कवर करके और उसका नुकसान उसके बड़े पत्र में मैंने तो कहा फिर पुलिस की तनख्वाह भी वही बने, है ना। ऐसे बगैर सोचे समझे गए कानून लाए हैं। इसी तरह जो है ये कहा भाई कोई फैसले से अगर नहीं एग्रीमेंट कोई अपील में जाना चाहता है हाईकोर्ट में सीधा तो 20% अनाउंस्ड जो उसके खिलाफ है कंपनसेशन वो जमा करा के जब जा सकता है। अब फैसला कौन करेगा, एक एसडीएम करेगा, एसडीएम किसके कहने से करेगा, इसका मतलब ये अनडेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसी तरह जो इनके सेक्शन 14(2) में इसको एक्सपेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकवरी बी मेड फ्रॉम दोज हु कमिटेड वायलेंस एंड लीडर्स बट दिस सेक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जिन्होंने किया हो, नेतृत्व करा हो या जिन्होंने नुकसान किया उससे रिकवरी करो, इसमें तो पार्टिसिपेंट्स की भी और लॉफुल असेंबली की भी, लॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेंट है उनको भी जिम्मेवार ठहराने का काम किया है। तो पैरामीटर जो सुप्रीम कोर्ट ने राइटर लगाए थे, लॉ इज नॉट देयर।
ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।